हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम शास्त्रा। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा चलेगा, सो दिस इज अ डिस्क्लेमर फॉर दिस वीडियो बिकॉज टॉपिक भी अपना उतना बड़ा है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, विच इज नॉट अ स्मॉल टॉपिक, इट्स अ ह्यूज टॉपिक। इवन आई हैव कंसिडर्ड लॉट मेनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकबोन ऑफ द कार्बन मॉलिक्यूल, तो देखते हैं एग्जैक्टली इसमें है क्या। तो मैं पहले आपको बोल रहा हूँ, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो नॉमेनक्लेचर 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, 10 मिनट में जिंदगी में सिर्फ मैगी बनती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जनरल फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला है। नाउ यहाँ पे R कैन बी अल्काइल ग्रुप और इट कैन ऑल्सो बी अराइल ग्रुप, ठीक है, और थोड़े थोड़े बहुत मॉडिफाइड फॉर्म भी रहते हैं, ठीक है, लाइक यू कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्किन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। सेकेंड थिंग एक आपको समझनी चाहिए, वो बात ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं तो ऑलवेज योर टर्मिनल पोजीशन विल ऑलवेज हैव अ कार्बोनाइल कार्बन, बिकॉज क्योंकि एक साइड में आपके पास अल्काइल ग्रुप लगाने का यू हैव अ फ्रीडम, ठीक है। तो ये साइड में आप जितना चाहिए कार्बन का बैकबोन बढ़ा सकते हो, यू कैन पुट 100 कार्बन का चेन, यू कैन पुट 1000 कार्बन का चेन, बट ऑन दिस साइड यू डोंट हैव एनी फ्रीडम। तो ऑब्वियसली व्हेनेवर यू आर गोइंग टू हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस सी डबल बॉन्ड ओएच फंक्शनलिटी, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी एट अ टर्मिनल पोजिशन, ठीक है, ये चीज समझ लो। बिकॉज ऑफ दैट एक एडवांटेज क्या मिल जाता है कि आप कभी भी बोलते हो कि आपका फंक्शनल ग्रुप में और मॉलिक्यूल में जो भी मेन फंक्शनल ग्रुप रहता है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि वो कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल पोजिशन पे ही रहेगा, बिकॉज ऑफ दैट कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल हैव अ फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम में कहीं पे भी आपको वन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती टू मेंशन कि कार्बोक्सिलिक एसिड का पोजीशन क्या है। इट्स ऑलवेज ऑलवेज गोइंग टू बी एट अ फर्स्ट पोजीशन, क्यों, क्योंकि वो टर्मिनल कार्बन पे ही रहेगा, स्टार्ट में रहेगा या तो एंड में रहेगा, और उसमें आपको डिसाइड आपको करना है लेफ्ट से नंबरिंग करो या राइट से नंबरिंग करो। अगर राइट साइड में रहेगा तो आई विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम राइट साइड, अगर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहेगा आई विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड। दैट्स अ सिंपल लॉजिक दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एज आई सेड कि कॉमन नेम्स में भी एक आपको सजेस्ट करता हूँ कि इट्स बेटर कि आप उसको रट्टा मारोगे तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ज्यादा याद रखने के झंझट में पड़ना नहीं पड़ेगा। बिकॉज कॉमन नेम्स का कैसा है, दे आर डिराइव फ्रॉम फ्यू वर्ड्स विच आर मे बी ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक और लैटिन वर्ड्स काइंड ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका नाम है एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, जिस मेन फंक्शनल ग्रुप ओ आई है कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्काइल की जगह पे यू हैव एच ओ आई है, सो फॉर्मिक एसिड इज द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये सब चीजें आपको रटनी पड़ेगी, बट आईयूपीएसी ऑब्वियसली बहुत लॉजिकल है, इट्स अ वन कार्बन एटम सिस्टम। तो आईयूपीएसी नाम और आईयूपीएसी नेम बनता कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का, वॉट एवर अल्केन यू हैव, ठीक है, वो अल्केन फाइंड आउट करो, उसके बाद उसका ई ड्रॉप कर देना, ठीक है, उसके यहाँ पे लिखो ओ आई सी और आगे एसिड करके लिख दो। तो अल्केन में से ई ड्रॉप करना है, यू हैव टू ई के जगह पे यू हैव टू पुट ओ आई सी डैश ओ आई सी एसिड, तो अल्केन का एसिड बनेगा अल्कानोइक एसिड। दैट इज अ थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट मॉलिक्यूल, फॉर्मिक एसिड है हमारे पास, फॉर्मिक एसिड में एक कार्बन आइटम सिस्टम है, एक कार्बन आइटम सिस्टम का अल्केन क्या बनता है, मीथेन, ठीक है। यहां पे मैं ई ड्रॉप करूंगा, यहां पे लिखूंगा ओ आई सी और आगे सिर्फ मुझे लिखना है एसिड, तो नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी मिथेनोइक एसिड, अगर मुझे वो एज अ सिंगल वर्ड लिखना है तो, ठीक है। सो नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज मिथेनोइक एसिड, ठीक है, एज आई सेड नंबरिंग की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, बहुत कॉमन नेम है इसका, दैट्स एसिडिक एसिड, ऑल्सो नोन एज अ विनेगर। इसका ओरिजिन इज समथिंग लाइक एसेटम वर्ड से इसका बना हुआ है नाम, कॉमन नेम, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एसिटिक एसिड। इट इज अ टू कार्बन आइटम सिस्टम, सो टू कार्बन आइटम सिस्टम का अपना अल्केन बनता है इथेन, सो इथेन लिख दो एज सच एज इट इज इथेन, ई ड्रॉप करो ओ आई सी एसिड, ठीक है। सो इसका नाम बना इथेनोइक एसिड, ठीक है। जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है मैं वो आपको मैं फटाफट एक्सप्लेन कर रहा हूं बिकॉज आगे जाके हमारे पास टाइम बचना चाहिए फॉर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू दिस मॉलिक्यूल, व्हाट यू हैव इज अ 1 2 3, इट इज अ थ्री कार्बन आइटम सिस्टम, कॉमन नेम बनता है इसका प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। अगर इसका मैं एक्चुअल नेम करने जाऊंगा आईयूपीएसी नेम, ठीक है, आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा, ये प्रोपियोनिक नेम कहां से है, इसका ओरिजिन है प्रोपियन, दैट मीन्स इट्स अ फर्स्ट फैट मॉलिक्यूल, उससे इसका नाम आया कॉमन नेम, दैट्स अ प्रोपियोनिक एसिड। बट कॉमन नेम क्या रहेगा, इट्स अ 1 2 एंड 3 कार्बन आइटम सिस्टम, सो नाम बना इसका प्रोपेन, प्रोपेन में से ई ड्रॉप करूंगा, आई विल पुट ओवर द ओ आई सी और आगे लिखूंगा एसिड, दैट्स इट, प्रोपेनोइक एसिड।
नेक्स्ट मॉलिक्यूल 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम सिस्टम, कॉमन नेम इज एन ब्यूटारिक एसिड. ओके, सो एन ब्यूटारिक एसिड इज अ कॉमन नेम, 4 कार्बन एटम सिस्टम है, सो ब्यूटेन सिस्टम ऑब्वियसली. मैं नाम दूंगा इसका ब्यूटेन, उसमें से ई ड्रॉप करूंगा, वहां पे लिखूंगा ओ आई सी एसिड. तो नाम बना ये मॉलिक्यूल का ब्यूटानोइक एसिड. सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, सिर्फ आपको ई निकालना है और ओ आई सी एसिड डालना है. कंफ्यूजन कहां पे आ सकता है, व्हेन यू हैव मोर देन वन कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट इन अ वन सिंगल मॉलिक्यूल, तो एज अ फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तो देखते हैं वहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं. ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, इसमें कितना कार्बन एटम सिस्टम है, दिस इज 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम सिस्टम, बट ऑब्वियसली यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग फॉर आईयूपीएसी नेम, बट बिफोर दैट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉमन नेम क्या है इसका. इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटारिक एसिड. ठीक है, ये क्या था, दिस वॉज एन ब्यूटारिक एसिड बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूस चेन, यहाँ पे ब्रांचिंग है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोब्यूटारिक एसिड. अलॉन्ग विद दिस, मैंने आपको लास्ट वीडियो था जो अपना नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स में भी, उसमें भी आपको कुछ चीजें बताई थी. जो भी अपना कार्बन रहता है विच इज अ मेन फंक्शनल ग्रुप, दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप ओवर हियर, जिसको अटैच जो भी कार्बन रहता है, दैट इज अल्फा कार्बन एटम. ठीक है, उसका नेबरिंग इज अ बीटा कार्बन एटम. तो अल्फा कार्बन एटम पे यहाँ पे मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, सो कॉमन नेम इसका बन सकता है और अल्फा मिथाइल. 3 कार्बन एटम सिस्टम बनेगा जब इफ यू आर कंसिडरिंग मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट, देन नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इन कॉमन नेम इज अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड. ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. आईयूपीएसी में इसको मैं नंबरिंग करूंगा 1, दिस विल बी सेकंड कार्बन एटम, दिस विल बी थर्ड कार्बन एटम. सेकंड एटम पे मिथाइल है एज अ सब्स्टिट्यूएंट. ओके, अंडरस्टैंडिंग दिस राइट, एंड सो इसका नाम बनेगा 2-M कैपिटल. आईयूपीएसी में फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी कैपिटल, बाकी सब स्मॉल. 2 मिथाइल, 3 कार्बन एटम वाला सिस्टम मैंने सिलेक्ट किया है, सो प्रोपेन का ई ड्रॉप करूंगा, वहां पे ओ आई सी आगे जाके एसिड, दैट्स इट. ठीक है, सो 2- मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड. ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूल के अपने पास 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन एटम सिस्टम. इसका कॉमन नेम देखोगे तो इसका कॉमन नेम है एन वैलेरिक एसिड. इसके पीछे भी कुछ तो देयर इज अ लॉजिक, वैलेरियन करके वर्ड है, इससे ये आया हुआ है, दैट्स व्हाई कॉमन नेम इज एन वैलेरिक एसिड. ठीक है, इसको अगर आईयूपीएसी करने जाऊंगा तो 1, 2, 3, 4, 5 सब्स्टेंट है नहीं, तो नंबरिंग नहीं करते तो भी फर्क नहीं पड़ता. इट इज अ 5 कार्बन एटम सिस्टम, सो नाम बनेगा इसका पेंटेन से. ठीक है, पेंटेन का मैं ई ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे, ई आई विल रिमूव कम्प्लीटली, सो नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी पेंटेन. ठीक है, ई ड्रॉप ओ आई सी एसिड, सो द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल बिकम्स पेंटेनोइक एसिड. ठीक है, सो फार सो गुड, एंजॉइंग. आगे है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, और टाइम जाने वाला है. ठीक है, तो अगर आप बोर हो रहे हो तो बोर मत होना. ठीक है, क्योंकि आगे जाके जो मॉलिक्यूल्स है वो आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करने वाला, सो प्लीज पे अटेंशन फॉर नेक्स्ट मे बी 5-10 मिनट मोर. ओके, सो लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल. हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन एटम सिस्टम, दिस इज ऑल्सो आइसोवैलेरिक एसिड. ठीक है, जैसे यहाँ पे एन वैलेरिक है, यहाँ पे ब्रांचिंग आ गया तो आइसोवैलेरिक एसिड बन गया. ये दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, बाजू वाला अल्फा, उसका नेबर बीटा, उसका नेबर होता है गामा, तो बीटा पे मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट है. तो आइदर आप इसका नाम लिखो कॉमन में आइसोवैलेरिक एसिड, वैलिड नेम, या तो लिखो बीटा पे मिथाइल 1, 2, 3, 4 सिस्टम, सो बीटा मिथाइल 4 वाला ब्यूटारिक एसिड, दिस इज ऑल्सो कॉमन नेम विच इज अ वैलिड नेम. दोनों में से कोई भी यूज करो चलेगा. आईयूपीएसी नेम इज मोर सिस्टमैटिक ऑब्वियसली, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिस्टमैटिक नेम. इसको नंबरिंग 1 आएगा, 2 आएगा, 3, यू हैव 2 ऑप्शंस, 4th इसे लिखो, इसे लिखे, डजंट मैटर बिकॉज बोथ आर हैविंग गिविंग यू सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का चेन. ठीक है, सो 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम चेन, थर्ड पे मिथाइल है. नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी 3-M कैपिटल, सो 3- मिथाइल, 4 कार्बन एटम सिस्टम, सो ब्यूटेन का ई ड्रॉप करूंगा, वहां पे लिखूंगा ओ आई सी एसिड, सो नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज 3- मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड. ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल व्हाट आई हैव, सी डबल बॉन्ड ओएच, कॉमन नेम है इसका ऑक्सैलिक एसिड, बहुत बार आप लोगों ने ये सुना भी होगा. इट्स अ 2 कार्बन एटम सिस्टम, नाउ पे अटेंशन ओवर हियर, दिस इज अ 2 कार्बन एटम सिस्टम, सो ये इथेनोइक एसिड है क्या, नहीं, ये इथेनोइक एसिड नहीं है. एग्री, दिस इज अ 2 कार्बन एटम सिस्टम, बट दिस इज नॉट इथेनोइक एसिड. डिफरेंस क्या है इसमें, इथेनोइक एसिड में यहाँ पे मिथाइल फंक्शनल ग्रुप था, यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. जैसे हम लोग के पास हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स में हम लोग बोलते थे, हम लोग के पास मोनो हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं, डाई हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं, राइट, पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव आई कैन से. वैसे हम लोगों ने देखा था अल्कोहल्स में भी यू कैन हैव 1 OH ग्रुप, तो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं. इफ यू हैव मोर देन 1 दैट बिकम्स पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल.
सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो अब तक थे दैट वाज अ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल, यहाँ पे इफ यू सी दिस इज अ फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज अनदर कार्बोक्सिलिक एसिड, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड इफ यू डू रिमेम्बर बाय नाउ, जब कभी भी हम लोग के पास दो फंक्शनल ग्रुप आते हैं मॉलिक्यूल में, हम लोग मॉलिक्यूल का ई जो होता है ना अल्केन का नाम का वो ड्रॉप नहीं करते, वी कीप दैट एज इट इज। मतलब ये क्या होगा, दो कार्बन एटम सिस्टम है, सो इथेन आई विल पुट इट एज इथेन, ठीक है, और क्या लिखूंगा उसके आगे डाई लिखना है बस, डायोइक एसिड, मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे, ठीक है, और ई ड्रॉप नहीं करना है। आई एम नॉट पुटिंग दिस एज इथेन डायोइक एसिड, आई पुट इट एज इथेन डायोइक एसिड, ई ड्रॉप नहीं करना है, टू कीप ई एज इट इज व्हेन यू हैव मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, लेट दैट बी एल्डिहाइड, लेट दैट बी अल्कोहल, लेट दैट बी हैलोजन, और लेट दैट बी योर कार्बोक्सिलिक एसिड, उस केस में हम लोग ई कभी भी ड्रॉप नहीं करते पैरेंट अल्केन के नाम में से, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, हम लोग के पास है 1, 2, 3 कार्बन एटम सिस्टम, इसका कॉमन नेम है मैलोनिक एसिड, अगर मुझे इसका आईयूपीएसी नेम देना है, सो 1, 2 and 3 देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन, तीन कार्बन एटम सिस्टम है, दैट मीन्स ये बनेगा प्रोपेन, ठीक है, एंड ऑब्वियसली एज इट इज देयर आर टू फंक्शनल ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे और एक दूसरा कार्बोक्सिलिक यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका नाम बनेगा प्रोपेन डायऑइक एसिड, ठीक है, सो ऑइक के पहले डाय डाल दो, दैट मीन्स कितना नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हमें पता चल जाता है उससे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखते हैं वहां पे क्या हम लोग के पास नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स में, ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स वी आर स्टिल हैव। इफ यू टॉक अबाउट दिस मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हमारे पास CH2C डबल बॉन्ड OH, कॉमन नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल इज सक्सेनिक एसिड, बट अगर मुझे पैरेंट नेम देना है इसको, दिस इज वन सॉरी आईपीएसी नेम, देन 1, 2, 3 and 4, ये फोर कार्बन एटम सिस्टम है, सो फोर कार्बन एटम सिस्टम काउंटेड अगेन 1, 2, 3, 4, या फोर कार्बन एटम सिस्टम, सो फोर कार्बन एटम सिस्टम मतलब बना ये ब्यूटेन, दो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, so I'm not going to drop E, I will keep it as it is, butane dioic acid, ठीक है, नाम बहुत सुंदर है ना, butane dioic acid, okay, next molecule, यहाँ पे क्या है, what you have, 1, 2, 3, 4, 5 carbon atom system, common name है इसका glutaric acid, ये रट लो, ये रटने के सिवा तुम लोगों के पास कुछ option नहीं है, but if I want to give the IUPAC name, a very simple job, 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है, so it's a 5 carbon atom system मतलब बना ये pentane, दो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां से मैं यहाँ पे ई ड्रॉप नहीं करूंगा, आई विल कीप इट एज इट इज पेंटेन डायोइक एसिड, ठीक है, सिंपल नेम। यहाँ पे मैं जानबूझ के रूल आपको 10 बार बता रहा हूँ, सो दैट यू शुड नॉट फॉरगेट, व्हेनेवर यू आर हैविंग टू कार्बोक्सिलिक मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स, वहां पे मल्टीपल मतलब कौन सा, एक ही फंक्शनल ग्रुप का मल्टीपल जब रहेगा तो वहां पे ई आपको ड्रॉप नहीं करना है इन अ पैरेंट अल्केन, दिस इज कॉमन टू एल्डिहाइड अल्कोहल एज वेल एज टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मॉलिक्यूल का नाम है एडिपिक एसिड, रट लो कॉमन नेम, ठीक है, इसका अगर मुझे आईयूपीएसी करना है, सो दिस 1, 2, 3, 4, 5 and 6 कार्बन एटम सिस्टम, सो इसका नाम बनेगा हेक्सेन, एच कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, ई बाद में ये ड्रॉप नहीं करना है, इट्स अ टू फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, सो हेक्सेन डायोइक एसिड, ठीक है, ये बना हेक्सेन डायोइक एसिड, ठीक है, सिंपल है, थोड़ा सा जरा सोचना पड़ता है आपको, एक बार आदत हो गई तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गिव द नेम्स टू द मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल, ये अभी ऑब्वियस एक सिंगल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको याद रखना है कि मुझे ई पैरेंट अल्केन का ड्रॉप करना पड़ेगा, सो वन कार्बन एटम, फर्स्ट कार्बन एटम इज दिस, सेकंड कार्बन एटम इज दिस, थर्ड वन इज दिस, सेकंड पे हाइड्रोक्साइल है, नाउ अंडरस्टैंड दिस, देयर इज वन मोर थिंग दैट आई नीड टू मेंशन ओवर हियर, व्हेनेवर यू हैव मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, मैंने आपको हर आईपीएसी वीडियोज में बताया हुआ है, नॉमेनक्लेचर वीडियोज में बताया हुआ है कि व्हेनेवर यू हैव द मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज अ प्रायोरिटी टेबल, गूगल पे सर्च करो, मिल जाएगा प्रायोरिटी टेबल, जहां पे देखो कि फंक्शनल ग्रुप में किसका प्रायोरिटी पहले आता है, जिसका प्रायोरिटी पहले आता है वो दैट इज गोइंग टू बी अ पैरेंट मॉलिक्यूल, पैरेंट मॉलिक्यूल मतलब उसका नाम एंड होना चाहिए उस नाम से, ठीक है, सो इफ यू सी ये कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीएसी करते टाइम यू हैव टू बी मतलब लीस्ट वरीड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड उस टेबल में आप देखोगे तो दैट्स अ फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट कम्स इन दैट लिस्ट, मतलब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इन प्रायोरिटी टेबल इज गिवन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब डजंट मैटर कि इसके आजू बाजू में कौन राजा महाराजा बैठा हुआ है, इफ इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड विल गेट अ फर्स्ट प्रायोरिटी, बाकी सब फंक्शनल ग्रुप विल बिहेव एज सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे OH इज अ अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है,
but it will behave as a functional group, and that's why, not functional group, as a substituent, that's why the name of this molecule is 2- second pair hydroxy group attached. So 2- hydroxy, it's a 3-carbon atom system, so bana propanoic acid. ठीक है, यहाँ पे E drop किया मैंने, क्योंकि क्योंकि क्यों drop किया यहाँ पे, because this is not, there are not two carboxylic acids, सिर्फ एक ही है. So the name of this molecule is 2- hydroxy propanoic acid. ठीक है, again in this case what you are going to have, this is acrylic acid. ठीक है, मैंने बोला था आपको यहाँ पे R हो सकता है या तो alkene भी हो सकता है. So 1, 2 and 3 carbon atom system, so बना propane, बट यहाँ पे alkene system है, so that is going to be propene. ठीक है, E drop करो OIC acid. ठीक है, numbering करने की जरूरत नहीं है, क्यों? Because ये double bond होगा कहाँ पे propane system में, आप या तो propane system आपके पास ऐसी हो सकती है CH2 double bond CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो नंबरिंग करोगे तो प्रोपीन यहीं पे आने वाला है. ठीक है, या तो आपके पास इसका उल्टा हो सकता है. ठीक है, तो कभी भी प्रोपीन का पोजीशन, आल डबल बॉन्ड का पोजीशन इन द केस ऑफ प्रोपीन इज फिक्स, तो वहां पे नंबरिंग की जरूरत नहीं है. सेकंड थिंग, आप बोलोगे नहीं ऐसा हो सकता है कि प्रोपीन डबल बॉन्ड में यहाँ पे डाल दू, ये तो अलग है. ठीक है भाई, अगर वहां पे डालना, डाल के देखो क्या होगा पता है क्या, द मोमेंट आई पुट डबल बॉन्ड यहाँ पे द मॉलिक्यूल बिकम CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C विच इज ऑलरेडी अटैच्ड टू डबल बॉन्ड O OH. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये कार्बन बीच में, ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड, ये पांचवा बॉन्ड. नाउ अंडरस्टैंड दिस, तुम लोगों ने कितना बॉन्ड फॉर्म किया, 5 बॉन्ड फॉर्म किया. नेक्स्ट नोबेल प्राइज विल बी गिवन टू यू इन केमिस्ट्री. ठीक है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. तो ऑब्वियसली ओनली पॉसिबल चांस वेर इन अ 3 कार्बन आइटम सिस्टम यू आर गोइंग टू हैव डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज वेल एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज दिस. सो यहाँ पे नंबरिंग की जरूरत नहीं है. सो प्रोपीनोइक एसिड इज अ राइट नेम, और दिस इज द ओनली पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर प्रोपीनोइक एसिड. मैंने आपको बोला है, कभी भी, वेन एवर यू हैव अ कंफ्यूजन, वेन एवर यू हैव अ डाउट, वॉट एवर नेम दैट यू हैव रिटन इज अ राइट और रॉन्ग, इफ यू आर इन अ पोजिशन टू राइट डाउन अ स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम द नेम वॉट यू हैव रिटन, देन एटलीस्ट 80-90% यू आर करेक्ट. ठीक है, आपको वेरीफाई मारना है तो 2-3 फ्रेंड्स को आप दिखा सकते हो कि भाई मैंने जो नाम लिखा है उसके बेसिस के ऊपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लिखा, एंड इफ ही और शी इज इन द पोजीशन टू ड्रॉ द राइट स्ट्रक्चर, दैट मीन जो तुम लोगों ने लिखा है वो मोर और लेस इज अ करेक्ट नेम. और भी वेरीफाई करना रहेगा, ऑब्वियसली गूगल इज द बेस्ट ऑप्शन टू वेरीफाई योर आंसर्स, अगर कहीं पे और मिल नहीं रहा है तो. ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल व्हाट यू हैव इज अ प्रोपीनोइक, दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो प्रोपीनोइक एसिड, CH2 डबल बॉन्ड CH C double bond O OH. What I have done, I guess I have written this molecule twice. ठीक है, मुझे पता नहीं ये molecule के ऊपर ज्यादा प्यार आ गया था इसलिए दो बार लिखा है. It's a same molecule. This is acrylic acid. यहाँ पे इसका common name, मैंने थोड़ा cheating किया आपके साथ, यहाँ पे IUPAC name लिख के रखा है. No, that's not a thing actually. By mistake I have written this molecule twice. ठीक है, so ठीक है, हम लोग का एक molecule, दो molecule हो गए. Last, not the last, ये type में से last molecule what you have is कार्बोक्सिलिक एसिड दो है. नाउ देयर आर टू ऑप्शंस, या ऐसी चीजें आएंगी आपके पास, 1, 2, 3 and 4. सो फर्स्ट एंड फोर्थ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, तब अगर इफ आई एम डूइंग नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो सेकेंड पोजिशन पे आई हैव OH फंक्शनल ग्रुप, और आई विल डू नंबरिंग फ्रॉम 1, 2, सर्कल वाला नंबरिंग इज डिफरेंट. ठीक है, 3 and 4. सो फर्स्ट एंड फोर्थ पे कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉमन, बट थर्ड पे OH आ रहा है, 2 पे OH, 3rd पे OH, क्योंकि 1 एंड 4 इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर. 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां से यहां जाओ तो भी वही हाल है, यहां से यहां जाओगे तो भी वही हाल है, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 पे कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ डिसाइडिंग फैक्टर कि नंबरिंग कहां से किया जाए. इन दैट केस जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए. सब्स्टिट्यूएंट यहां पे OH है, लोवेस्ट नंबर मिल रहा है जब व्हेन आई एम डूइंग नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो दैट्स अ करेक्ट वे ऑफ डूइंग नंबरिंग. ये मॉलिक्यूल का नाम बनेगा, इट्स अ 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम सिस्टम. सो ये मॉलिक्यूल का नाम बनेगा 2 पे फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट एज ओ एच, तो 2- हाइड्रोक्सी, इट्स अ 4 कार्बन एटम सिस्टम, सो दैट बिकम्स ब्यूटेन. 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 और 2 यहाँ पे, तो ब्यूटेन का ई ड्रॉप नहीं करना है, ब्यूटेन डायऑइक एसिड. ठीक है, अभी यहाँ पे भी 1, 4 का लॉजिक मत लाओ, इट्स वेरी ऑब्वियस. कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी टर्मिनल पे ही रहेगा, अगर 2 है तो 1 स्टार्ट में रहेगा और 1 एंड में रहेगा. ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट. तो इसलिए ब्यूटेन 1-1.4 डायऑइक एसिड लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट नेम बाय IUPAC. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, थोड़ा सा एरोमेटिक भी देख लेते हैं, एरोमेटिक में क्या फंड है. ठीक है, विच इज नॉट ऑब्वियसली गोइंग टू बी डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है, सिर्फ मॉलिक्यूल देखने के लिए ये ज्यादा अच्छा लगता है बट. ठीक है, सो इफ यू सी यहाँ पे बेंजीन मॉलिक्यूल है, C डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड, दिस इज अ फैलिक
एसिड, इसका थोड़ा सा नाम आपको याद रखने की जरूरत पड़ सकती है, नंबरिंग करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, बिकॉज साइक्लिक सिस्टम 1.2, क्योंकि कहीं पे भी हो सकता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ से नंबरिंग कर रहे हो तो यहाँ पे भी हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा यहाँ पे भी हो सकता है, इन दैट केस द नंबरिंग विल चेंज, इन दैट केस द आइडेंटिटी ऑफ द मॉलिक्यूल विल चेंज, सो इसलिए यहाँ पे नंबरिंग करना आपको जरूरी है। इसका नाम है IUPAC, दिस इज अ बेंजीन मॉलिक्यूल, सो बेंजीन डैश 1.2-डाई कार्बोक्सिलिक, ठीक है, एसिड, दिस इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ठीक है, रट लो, याद नहीं रहता रट लो, लेकिन द लॉजिक इज दिस इज बेंजीन 1.2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट वन वॉट यू हैव इज अ वेरी वेल नोन सैलिसिलिक एसिड, आई गेस वी हैव डिस्कस दिस स्ट्रक्चर एज वेल व्हेन वी वर डिस्कसिंग IUPAC, नो नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, उस टाइम पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एज वेल एज अ फिनॉल्स, उसमें क्या रहेगा दोनों में से, ठीक है। तो इफ यू सी यहाँ पे वॉट वी हैव इज अ मेन फंक्शन ग्रुप इज दिस, फर्स्ट पे यू हैव COH एंड एट सेकंड पोजिशन यू हैव OH, ठीक है, इसका नाम क्या बनेगा आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सेकंड पे हाइड्रोक्सी है, सो 2-hydroxy, ठीक है, बेंजीनोइक एसिड, ठीक है, अच्छा लगता है सुनने के लिए, बट दैट्स नॉट द नेम इज बेंजोइक एसिड, ठीक है, मैंने बेंजाल्डिहाइड के टाइम पे बोला था, मुझे बहुत ऐसा लगता है कि बेंजीनाल्डिहाइड लिखूं, ठीक है, बिकॉज अल्किन बिकम्स अल्किनाल्डिहाइड, ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसा लगता है बेंजीनोइक एसिड लिखने का, बट दैट्स नॉट अ बेंजीनोइक, इट्स अ बेंजोइक एसिड, सो सेकंड पे हाइड्रोक्सी एंड फर्स्ट पे योर कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स 2-hydroxy बेंजोइक एसिड। नाउ माइंड वेल, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्यों नहीं लिखा आप लोग, आपने बेंजीन मे बी बेंजीन डायोइक एसिड, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेंजोइक एसिड इज अ नेम, ठीक है, बेंजो डायोइक नहीं है, ठीक है, तो जब मोर देन 1 carboxylic एसिड यू हैव एंड इट्स अ बेंजीन सिस्टम, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, डायकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, टेट्राकार्बोक्सिलिक एसिड, when you have only 1 carboxylic acid with a benzene, then you can simply write benzoic acid, और जो भी substituent रहेगा उसको number दे दो, ठीक है। Metatoluic acid, I hope you know, meta position क्यों, this is a ipso position, main functional group, उसका immediate neighbor is ortho, ortho का neighbor is meta, and उसका opposite is para, तो इसका common name is meta position पे CH3 you have, ठीक है। अगर मैं इसको structure को थोड़ा सा understand करूँ, तो basically if you see when I have benzene with CH3 is called toluene, ठीक है, this structure is called toluene molecule, ठीक है, common name which is also accepted in IUPAC, और यहाँ पे मैं COH डाल रहा हूँ, that's why it is becoming toluic acid, ठीक है, तो common name का यहाँ पे कहीं पे logic है, जहाँ पे आप लोग previous molecule से भी समझ सकते हो। IUPAC name क्या बनेगा इसका, this is one of the first carbon, second carbon, third पे methyl चिपका दिया, so 3-methyl, ठीक है, 3-methyl बेंजोइक एसिड, ठीक है, एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। आई नो इट इज अ बिट लॉन्गर वीडियो देन द अदर्स दैट वी डिड ऑलरेडी, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इवन स्टूडेंट्स आई वांट टू टेल यू समथिंग, कि मैंने पहले कुछ बेसिक्स वीडियो क्लियर किए इन ऑन आवर चैनल, ठीक है, बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिएक्शंस, ठीक है, तो वो मैंने कर दिया, ठीक है, देर आर फ्यू टॉपिक्स विच माइट बी रिमेनिंग फ्रॉम दैट एज वेल, ठीक है, दैट ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू कवर अप स्लोली स्लोली, बट अलॉन्ग विद दैट मैंने एक चीज जो प्रायोरिटी पे ली थी, दैट्स अ नॉमेनक्लेचर सिस्टम, सो मोर ऑर लेस इफ विल सी 60-70% ऑफ द मॉलिक्यूल जो आपको कोर लगने वाले इन योर स्टडी, इन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केमिस्ट्री, दैट वी ऑलरेडी डन, ठीक है। इसमें कुछ भी आपको डाउट रहेगा, आप यू गिव मी एनी डैम मॉलिक्यूल कि जो आपको लगता है कि इसका IUPAC नेम मुझे आता नहीं है, और दिस इज द वर्स्ट मॉलिक्यूल टू मेक IUPAC नेम ऑफ इट, मैं एक सिंगल मॉलिक्यूल के ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ, इफ दैट मॉलिक्यूल इज बॉदरिंग यू, ठीक है। सो बिंदास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालो जो भी आपके पास स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, जो भी आपको समझना IUPAC के रिलेटेड, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन विच इज नीडेड टू अंडरस्टैंड कि इसका IUPAC बना कैसे, ठीक है। कॉमन नेम एज आई से कि थोड़ा रटो, क्योंकि कॉमन नेम हर किसी में थोड़े ही रहते हैं, IUPAC यू कैन मेक एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनी अदर देन दैट इज कि ये नॉमेनक्लेचर का सीरीज मैंने पहले क्यों उठाया और इसे पहले क्यों कंप्लीट किया, अंडरस्टैंड द लॉजिक यार। केमिस्ट्री में मैं बोलता हूँ कि पीरियोडिक टेबल इज लाइक अ अल्फाबेट्स, ठीक है, पीरियोडिक टेबल अगर आपको समझेगा तो आप केमिस्ट्री को थोड़ा फाउंडेशन आपका बनना चालू होता है, यू अंडरस्टैंड हाउ द एटम्स आर बिहेविंग इन अ मॉलिक्यूल और इन अ रिएक्शन। The second thing that I think is another binding block of organic chemistry is a nomenclature system. अगर आपको किसी का नाम ही पता नहीं है तो वहां पर टॉपिक ही खत्म, भाई तेरे को किधर जाना है, I don't know the location का नाम, that means you are a crazy guy, okay, that means तुम पागल हो, right? आप बोल रहे हो कि यार मेरा एक फ्रेंड था, आपको मैंने पूछा उसका नाम क्या, मेरे को याद नहीं, that means you are a dumbass, ठीक है,
Why I'm saying you this? Because कि अगर नाम ही नहीं पता तो आगे स्टोरी खत्म होता है. ठीक है, मैंने आपको बोला कि तेरे को पता है कि रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्स वाई जेड मॉलिक्यूल के साथ. आप लोगों अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ही निकालने के लिए नहीं आता, गेम ओवर. कितना भी अच्छा केमिस्ट्री समझ लो, इफ यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू राइट डाउन द नेम और टू राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स नेम, देन यू आर नो वेयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड दैट्स द रीजन वाई आई केप्ट एवरीथिंग असाइड एंड taken this nomenclature system on a very high priority, so that you should be aware of all the functional groups. और चीजें समझ लो कि आप पूरा nomenclature पहले सबका पढ़ लो, क्योंकि ऐसा नहीं कि alcohols में पढ़ रहा हो तो carboxylic acid का nomenclature पढ़ूंगा तो phenol का भूल जाऊंगा. That is not going to happen. Somewhere they are logically interconnected. Somewhere the rules are 80% same. Just the name, how you are putting them, that's what differs. ठीक है, तो वहां पे भी वो आपको प्रॉब्लम आने वाला नहीं है. तो वॉट एवर वीडियोज दैट वी हैव मेड बाय नाउ ऑन नॉमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम, प्लीज गो थ्रू दैट वंस अगेन. वॉट एवर डैम डाउट यू हैव, यू कैन पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर एज अर्ली एज पॉसिबल. एंड वंस यू आर कंफर्टेबल विद द नॉमेनक्लेचर सिस्टम, देन भाई अपना रिएक्शन समझने का जर्नी होगा चालू. फिर हमें कोई रोक नहीं पाएगा. वी आर गोइंग टू बी द रॉक स्टार्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो जो भी आपका प्रिपरेशन चल रहा है, कीप अप विद दैट प्रिपरेशन. आपको जो भी वीडियोस चाहिए, आपको जो भी डाउट्स है, लेट दैट बी एनी केमिस्ट्री. डोंट कंसिडर मैं सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानता है. नो प्लीज, आई एम इक्वली गुड इन ऑल केमिस्ट्री. दैट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, बट आई एम इक्वली कैन गिव यू एक्सप्लेनेशन फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फॉर एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनी डैम थिंग दैट यू थिंक इज अ ऑब्स्टेकल फॉर यू इन अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री, डू पुट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स. आई विल आंसर दैट. सेकेंड थिंग, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, कि जिनको नॉमेनक्लेचर में थोड़ा तकलीफ है. शेयर इट विथ ऑल द फ्रेंड्स जहाँ पे आपको लगता है कि यार नहीं, ये बंदा कुछ अलग वैसे पढ़ा रहा है, ये बंदे का टेक्निक इज वेरी नाइस. इफ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर द डे.